नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, इनकी एग्जैक्ट एज 42 वर्ष है। इनके सवाल बहुत सारे थे, मैंने सारे सवाल पढ़ लिए। तो चलिए दोस्तों, इनके पाम का एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल था कि बिजनेस करना चाहते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं आगे क्या जीवन रहेगा, क्या स्थिति इनकी रहने वाली है, किस प्रकार का बिजनेस करके इन्हें सक्सेस मिल जाएगी। देखिए, सबसे पहले 42 वर्ष में जाते हैं तो यहाँ पर एक कट था, तो शायद इस वजह से इनको जॉब चेंज करनी रही होगी। और ये कुछ ना कुछ नुकसान, 2-4 महीने खाली बैठता है, यहाँ पर 2 कट एक साथ है, तो लगभग 1-1.5 साल में चेंज आया है। और यहाँ देखें तो इनकी भाग्य रेखा है, एक भाग्य रेखा इस प्रकार निकली है, तो मान सकते हैं 85वें वर्ष के आसपास या फिर 48वें वर्ष से आप समझ सकते हैं, तो इस एज में आपका भाग्योदय होना तय है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि तब तक आपको संघर्ष करना पड़ेगा, बट जो बड़ा चेंज आएगा, करीब में स्टेबिलिटी आएगी, सुख संपन्नता जो आएगी वो उसी समय आ पाएगी, क्योंकि यहाँ पर अच्छी भाग्य रेखा आ रही है। बड़ा बिजनेस जो इच्छा पूर्ति होती है वो हो जाएगी। बाकी मैं देख पा रहा हूँ एक बहुत बड़ी और सुंदर मछली बन रही है शनि के क्षेत्र पर, ये बहुत लाभ देने वाली रहती है। इसका मतलब ये होता है कि सारी इच्छा पूर्ण होंगी, बुढ़ापे में अच्छा भाग्योदय होगा और करोड़पति बनना एक आम बात हो जाती है। बहुत अच्छा लाभ ये मछली को देने वाली होती है, लेकिन इसका कुछ नेगेटिव प्रभाव भी मिलता है। देखिए, शनिदेव होते हैं कर्म फल दाता, न्याय के देवता, तो अगर ऐसे व्यक्ति बुरे काम करने लग जाए, झूठ बोलने लग जाए, किसी को धोखा देने लग जाए, विश्वासघात करने लग जाए, तो शनिदेव फिर इस मछली का उल्टा प्रभाव देते हैं और व्यक्ति को बहुत ज़्यादा संघर्ष, धोखाधड़ी होना, कोर्ट कचहरी के केस हो जाना, इस तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो ये पॉजिटिव है तो एक्सट्रीम पॉजिटिविटी देगी और नेगेटिव है तो एक्सट्रीम नेगेटिविटी देने वाली रहेगी। तो ध्यान रखिएगा, आपके ऊपर शनिदेव की सीधी नज़र है। अगर अच्छा काम करते हैं तो बहुत सफलता मिलने वाली है, बुढ़ापा आपका इतना आनंद में जाएगा आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। बट अगर आप ऐसे कार्य करते हैं, थोड़ा मैं आपको एक सजेशन ही दे रहा हूँ, धोखाधड़ी, झूठ बोलना, किसी की बद्दुआ लेना, ये कार्य जीवन में कहीं मत कीजिएगा, क्योंकि शनिदेव आपको फिर बुरा समय लाने में देर नहीं लगाएंगे। ये चीज़ है आपके हाथ में। बाकी बुढ़ापे में बड़ा भाग्योदय अभी के हिसाब से मुझे दिख रहा है। अभी आपके कर्म इस प्रकार के नहीं है कि आपने ऐसा कुछ कार्य किया हो, जैसा जीवन जीता रहे ऐसे जिए तो आपको अच्छा लाभ, बुढ़ापे में बहुत भाग्योदय, बिजनेस में सफलता देखने को 100% मिलने वाली रहेगी। बुढ़ापे में भाग्योदय अच्छा है आपके हाथ में, हर रेखा मुझे आपके हाथ में बुढ़ापे में भाग्योदय दिखा रही है। गुरु के क्षेत्र पर आएंगे तो सीधी खड़ी रेखा 3-3 है। देखिए, एक रेखा भी हो तो मैं कहता हूँ व्यक्ति जीवन सफल हो जाएगा, बट आपके हाथ में 3-3 है, ये आपको महत्वाकांक्षी बनाएंगे। व्यक्ति अपनी इच्छा पूर्ति के लिए किसी भी तरह की मेहनत करने में से पीछे नहीं रहता, व्यक्ति मेहनती होता है और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाता है। इसके साथ साथ ये रेखा व्यक्ति का भी नाम खराब नहीं देती। अगर समाज में अगर आपका बुरा समय भी आएगा तो सोसाइटी को नहीं पता चलेगा कि आपका बुरा समय कब आया, कब चला गया। व्यक्ति का नाम खराब नहीं होता, व्यक्ति बुरे समय भी संघर्ष करता है और बुरे समय को हंसकर काटने में सक्षम रहता है, ये चीज रहेगी। बाकी यहाँ पर देखेंगे तो 2 से 3 आड़ी रेखा भी है, तो ये आपको गुरु वाले बन रहा है। गुरु वाले जब बनता है, चैरिटी से भाग्योदय होता है, दान दक्षिणा से भाग्योदय होता है, कर्म साफ रखने से भाग्योदय होता है। बाकी मल्टीपल सोर्सेस से व्यक्ति इनकम जनरेट करता है और पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, फेस रीडिंग, हैंड रीडिंग से व्यक्ति का भाग्योदय तेज और अच्छा होता है, ये चीज आपके हाथ में आपकी रेखाओं द्वारा मुझे दिख रहे हैं। सूर्य के क्षेत्र पर आएंगे तो सूर्य रेखा अच्छी है, काफी अच्छी खासी सूर्य रेखा आपके हाथ में मौजूद है। एक रेखा इसमें से निकलकर सूर्य की ओर जा रही है। देखिए, जब शनि से रेखा एक निकलकर सूर्य की ओर जाती है तो ये व्यक्ति के कर्म द्वारा और मेहनत द्वारा और लगन द्वारा भाग्योदय दिखाती है। तो ये चीज भी आपके हाथ में मुझे दिख रही है, कर्म मेहनत लगन द्वारा आपका भाग्योदय होने वाला रहेगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको चीज में नहीं आने वाली रहेगी। सूर्य रेखा आपके हाथ में बहुत अच्छी अवस्था में। बाकी बुध पर आएंगे तो 2 से 3 सीधी खड़ी रेखा है। जब बुध पर 2 से 3 सीधी खड़ी रेखा होती है, व्यापार क्षमता अच्छी होती है, बिजनेस सेंस काफी अच्छा होता है, व्यक्ति बिजनेस करके अपने जीवन में अच्छा मान सम्मान कमाने में सक्षम होता है, बिजनेस सेंस बहुत बेहतरीन मिला हुआ है और बिजनेस ही कीजिए। जब ऐसे व्यक्ति अगर जॉब करने दिखे मेरे को तो मैं ये कहता हूँ साफ साफ कि ऐसे व्यक्ति टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि बिजनेस ही आपके लिए बना है। आप ऐसा कर सकते हैं, देखिए अब मैं डायरेक्ट तो नहीं कहूँ कि आप जॉब छोड़ दीजिए, बट जो बिजनेस करना चाहते हैं उसे छोटे लेवल पर स्टार्ट कर दीजिए और उसमें मेहनत लगाइए। जब आपकी बिजनेस की इनकम आपकी जॉब से ज़्यादा हो जाए तो उसे छोड़ दीजिए, ये चीज़ आप कर सकते हैं। बट ऐसा मत कीजिएगा कि आपने मेरे कहने से ही जॉब छोड़ के बिजनेस में आ गए। बट व्यापारी वर्ग का हाथ है, व्यापार है आपके यहाँ पे, व्यापार बड़े लेवल का है, तो कुछ कीजिए कि व्यापार की तरफ जाए, व्यापार करने का मौका कभी ना छोड़ें, चाहे पार्टनरशिप में करें, अकेले करें, 10 लोग करें, 2 लोग करें, 5 लोग करें, बट व्यापार आप करें, मिलकर करें किसी के साथ बट अकेले करें, लेकिन आपको व्यापार करना ही रहेगा। बिजनेस सुटेबल है आपके लिए, पैसे से पैसा बनाने की कला भी आपके अंदर बहुत अच्छी देख पा रहा हूँ आपकी रेखाओं में। यहाँ पर धनुषा का रेखा बनी, व्यक्ति समझदार होता है, सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होता है, जीवन में कभी जल्दबाजी में आकर भावनाओं में बहकर गुस्से में व्यक्ति कभी गलत निर्णय नहीं लेता है। यहाँ पर देखेंगे जो आपकी भारी मंगल है, भारी मंगल पर आड़ी रेखा मौजूद है। जब भारी मंगल पर इस प्रकार की रेखा होती है, ये आपको आपके जीवन में बड़ा अच्छा धन लाभ देने वाली रहेगी, बट ये व्यक्ति को इनकी लड़ाई झगड़ों में पड़वाती है, तो व्यक्ति जितना लड़ाई झगड़ों से दूर रहे उतना आपका खुद का लाभ होगा। तो कोशिश कीजिए कि किसी की लड़ाई झगड़े हो रहे हो तो आप उसमें ना बोलें। बाकी कोर्ट कचहरी, पुलिस स्टेशन के चक्कर भी लगवा देती है कभी कभी, तो ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए एडवाइस भी है मेरी तरफ से, स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, लड़ाई झगड़े मत पड़िएगा अपने में भी ना किसी और के में। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ आपके हाथ के चंद्र बहुत अच्छे हैं, तो इस
प्रकार के जब चंद्र पर्वत होते हैं, ये आपको मन की शांति देने वाले रहेंगे। मन में शांति बनी रहेगी, ध्यान नहीं भटकेगा, कॉन्सेंट्रेशन पावर बहुत अच्छा है। महादेव की भक्ति कर कर परम आनंद की अनुभूति और मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। करना चाहते तो कर सकते हैं। मणिबंध पर 2 से 3 सुंदर रेखाएं, देखिए 3 रेखा होती हैं, तो ये लगभग 75 वर्ष उम्र दिखाती है व्यक्ति की। पर लेकिन देखिए, केवल इसके द्वारा हम उम्र नहीं बता सकते, उम्र तो कोई नहीं बता सकता कि ये चीज़ें भगवान के हाथ में होती हैं, बट हम एक प्रडिक्शन दे सकते हैं। तो ये चीज़ है, बाकी इसके साथ अगर भगवान की भक्ति करते हैं, एग्जैक्ट एज हम नहीं बता सकते, जन्म मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है, ये सब परमात्मा के हाथ की चीज़ें होती हैं, तो हम एक अंदाज़ा आपको बता रहे हैं। बाकी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान लगाकर भगवान की भक्ति कर कर अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं आप। यहाँ पर देखें तो यव का साइन बन रहा है, ये सपने बहुत लॉजिकल देता है, क्योंकि सपने अच्छे आते हैं, लॉजिक वाइज आते हैं, और होने वाली घटनाओं का अंदेशा सपनों के द्वारा हो जाता है। पितरों का पूरा सहयोग रहता है, पितरों का आशीर्वाद होता है, पितर होने वाली घटनाओं का अंदेशा सपनों में आकर देने वाले होते हैं। ये चीज़ें रहती है, गट फीलिंग व्यक्ति की बहुत होती है, चाहे अच्छी घटना होने वाली हो, बुरी घटना होने वाली हो, व्यक्ति को इंटरनल फीलिंग आ जाती है। यहाँ पर हल्का सा ये अंगूठा घूमा हुआ तो फ्रेंडली नेचर देता है, व्यक्ति का नेचर काफ़ी फ्रेंडली देखा गया है। शुक्र के क्षेत्र पर आड़ी रेखाएं हैं, शुक्र के क्षेत्र पर जो आड़ी रेखा होती है व्यक्ति को पारिवारिक समस्या देने वाली रहती है, इसके उपाय देने पर आपको राहत मिल जाएगी। इससे मंगल पर भी देख पा रहा हूँ, मंगल पर भी ये आड़ी रेखाएं हैं, ये आपको डे लाइफ प्रॉब्लम, घुसी की समस्या, बुढ़ापे में कमर दर्द, सर दर्द और घुटनों का दर्द, ये समस्या रहती है। इसके उपाय तो कुछ नहीं होते, उपाय मैं क्या दूंगा, इसके उपाय बस यही है कि आप अपनी शारीरिक और मानसिक सेहत का ध्यान रखें, और जब आप 45 वर्ष क्रॉस कर जाए या 50 कूद जाए, तो जीवन में हमेशा ध्यान रखिए जिम ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आपको दिक्कत आएगी, घुटने की दिक्कत आएगी, कमर झुककर चलेंगे, बैठ लगाकर चलेंगे, घुटनों में ज़्यादा दर्द हुआ करेगा, चला नहीं जाया करेगा, शरीर साथ छोड़ देगा। तो इसका उपाय ये रहता है कि ऐसे व्यक्ति जितना अपनी कमर की एक्सरसाइज अभी से स्टार्ट कर दीजिए, अगर अभी से दिक्कत नहीं है तो स्टार्ट कर दीजिए, घुटनों की एक्सरसाइज स्टार्ट कर दीजिए, ज़्यादा पैदल चलिए, वजन बढ़ा दीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप ये आपने ये चीज़ें कर ली तो आपको फिर बुढ़ापे में समस्या नहीं आएगी, रेखा खत्म हो जाएंगी, हाथ से रेखा बिल्कुल गायब हो जाएंगी। बाकी आपका भविष्य उस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि आप आज कैसे निर्णय लेते हैं, वैसे आपका भविष्य रहेगा, वैसे आपकी रेखा रहेंगी। रेखा हमें 99% एक एक्यूरेसी दे देती है कि आगे भविष्य में क्या क्या हो सकता है। तो ये समस्या मुझे आपके हाथ में दिख रही है, इसी का ध्यान रखिएगा। बाकी अगर अभी से इस चीज़ पर काबू कर लेते हैं तो फिर समस्या नहीं आएगी वाली। बाकी यहाँ पर रेखा इस सही कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हृदय रेखा पर ध्यान से देखेंगे तो हृदय रेखा आपकी यहाँ पर विष्णु सिंबल बना रही है। ये देखिए विष्णु सिंबल, ये अच्छे सरकारी लाभ, अच्छे पॉलिटिकल लाभ, अच्छा वैवाहिक जीवन को दिखाती है। इसका तात्पर्य ये भी होता है कि ऐसे व्यक्ति जितना भगवान श्री हरि नारायण की भक्ति करते हैं, लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, साल में 2 बार लक्ष्मी नारायण की कथा करवाते हैं घर में, तो इतना शुभ लाभ मिलेगा आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये इस बात की संकेत करती है, अगर आप श्री हरि नारायण के भक्त बन जाते हैं तो परम आनंद की अनुभूति हो जाएगी आपको। यहाँ पर आपके हाथ में मस्तिष्क का सही जा रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मंगल की ओर जा रही है तो गुस्से की समस्या दे सकती है। तो गुस्सा पर काबू रखिएगा, संयम थोड़ा रखिएगा, निर्णय जल्दबाजी मत लीजिएगा, सोच समझ कर लीजिएगा तो लाभ मिलेगा। बाकी मस्तिष्क आपकी पूरी प्रॉपर अच्छी है तो दिमाग इस तरह अच्छा है, सीखने समझने की बातों को याद रखने की क्षमता अच्छी है, छोटी छोटी बातों को जल्दी समझ पाते हैं, विपरीत परिस्थिति में व्यक्ति कूल और काबिल रिस्पॉन्ड करता है। ये चीजें मैं आपकी रेखाओं द्वारा देख पा रहा हूँ। जीवन रेखा पर राहु रेखा इस प्रकार काट के जा रही है, देखिए ये बिल्कुल भी अच्छा साइन होता है। ये व्यक्ति जीवन संघर्ष, परेशानी, दिक्कत देने वाला रहता है, बट उपाय द्वारा इन सबको शांत किया सकता है, इनके अच्छे प्रभाव पाए जा सकते हैं। तो उपाय अगर करते रहेंगे तो फिर दिक्कत नहीं आने वाली रहेगी, बट अगर उपाय नहीं करते तो फिर प्रॉब्लम रह सकती है आपको इन सारी चीज़ों के रिगार्डिंग। अगर जीवन रेखा देखी जाए तो जीवन रेखा पर एक बहुत बड़ा ऑप्शन है, जैसे मैंने यहाँ पर बताया था कि भाव में भाग्योदय है आपका, तो भाव में भाग्योदय जीवन रेखा भी दिखा रही है। देखिए अभी तो मैं नहीं कह सकता कि 3-4 साल तक आपको कुछ बड़ा लाभ मिलेगा, बट बुढ़ापे में प्योर भाग्योदय आपका 100% भाग्योदय है, संतान द्वारा पूरी सेवा और संतान का भाग्योदय, आपसे जल्दी होना, आपसे तेज होना, संतान का आपसे ज़्यादा पैसे कमाना, ये चीज़ है आपके हाथ। यहाँ पर देख पा रहे हैं ये रेखा 200 में टूट गई, जब ये रेखा 200 में टूटती है तो इससे हम बता सकते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में थोड़ा बहुत हेल्थ रिगार्डिंग इशू आएंगे, बट इसके साथ साथ मल्टीपल ट्रैवलिंग, तीर्थयात्राओं के दर्शन भी रहते हैं, और संतान सुख और संतान का पूरा सपोर्ट करना, ये चीज़ रहती है, संतान द्वारा पूरा सपोर्ट आपको बुढ़ापे मिलने वाला रहेगा। बुद्ध रेखा पूरी बन गई है, बुद्ध रेखा जब पूरी बन जाती है तो ये अपनी हॉबीज, अपने इंटरेस्ट पर काम करके बड़ा भाग्योदय देती है। तो व्यक्ति का भाग्योदय अपनी इंटरेस्ट और अपनी हॉबीज पर काम करके भी होता है, बाकी अच्छी हेल्थ अच्छी देती है रेखा, पूरा सपोर्ट मिलता है, और ये रेखा बिजनेस लाइन भी होती है। तो अगर ऐसे व्यक्ति बिजनेस ना करें तो फिर अपना जीवन वेस्ट कर रहे होते हैं, तो बिजनेस करना चाहिए। ये तीसरा संकेत आपके हाथ में जो मुझे बता रहा है कि बिजनेस आपको करना चाहिए। बाकी मनी ट्रायंगल भी बन रहा है तो पैसा चार सक्षम रहेंगे, बुढ़ापे में अच्छा पैसा डोनेट कर लेंगे, 2-4 प्रॉपर्टी भी खरीद पाएंगे और बुढ़ापे में पैसे की तंगी नहीं आने वाली रहेगी। तो मैंने आपके 5 कंसेस पूरा कर दिया, मैं आशा करता हूँ कि आपको कोई सहायता मिल गए होंगे। बुढ़ापे में पूर्ण भाग्योदय है आपके हाथ में, जिसे अच्छा भाग्योदय कहते हैं, 85 वर्ष से अच्छा जीवन में समय आएगा। हेल्थ इशूज थोड़े बहुत दिख रहे हैं बट इतने नहीं है, मेजर नहीं है। और मुझे आपको उपाय किसके दिन देंगे, मुझे आपको उपाय देंगे राहु रेखाओं के, बस और कोई आपको जीवन में दिक्कत है ही नहीं। राहु रेखाओं के उपाय और यहाँ पर पारिवारिक समस्याओं के उपाय, ये जो देखिए आप वीडियो देखने के तुरंत बाद मुझे व्हाट्सएप पर वीडियो का रिव्यू दे दीजिएगा, क्योंकि मैं डेली काफी लोगों से करता हूँ तो मुझे शायद टाइम नहीं मिल पाता कि मैं आपसे रिव्यू मांगू, तो आप ही मुझे व्हाट्सएप पर रिव्यू दे दीजिएगा। अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं तो
तो हम आपको सेटिस्फाई करके भेजेंगे। ये हमारा कार्य है, ये हमारी जिम्मेदारी, हम आपको सेटिस्फाई पूरा करके भेजेंगे। एक दो सवाल अगर छूट जाते हैं इसमें वीडियो में नहीं बताने के लिए, तो आप वो भी मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पूछ लीजिएगा। उपाय लिख दीजिएगा कि इसी चीज़ के उपाय देने, मैं आपको उपाय भी दे दूंगा सारे, और आपको पूर्णतः सेटिस्फाई करके ही मैं भेजने वाला रहूंगा। तो ये चीज़ रहेगी। इसके बाद भी कोई डाउट क्वेरी रहेगा तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पूछ लेना, और रिव्यू जरूर दे दीजिएगा कि आपको कैसा लगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।